بسم الله الرحمن الرحيم. Exercise 4.3 और question number 10 का. अच्छा question number 10 में है कि find an equation of the line through a point having slope 7. मतलब कि आपको a point दिया हुआ है, a point जो है -6,5 और साथ में आपको slope दी हुई है. ठीक है, slope को हम m से represent करते हैं. Slope is equal to m is equal to जो कि given है 7. सही, तो दो पॉइंट्स, एक पॉइंट दिया हुआ है और दूसरा हमें स्लोप दी हुई है. तो कहा गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन. ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन आपने फाइंड करनी है जो कि इस पॉइंट से जो है वो पास कर रही हो और उस लाइन की स्लोप 7 होनी चाहिए. तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 में देखा कि हमने किस तरह से वो इक्वेशन ली थी, एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन. सही, तो अब यहाँ पर x1 और y1 जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं और m जो है वो स्लोप ऑफ लाइन है. ठीक है, जो कि हमें गिवन है, तो ये हम वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं. m इज इक्वल टू 7, तो m की जगह 7 आ जाएगा. x2 वेरिएबल है वो उसी तरह से आएगा, माइनस x1. x1 जो है वो जो पॉइंट हमें गिवन है उसका x कोऑर्डिनेट है. ठीक है, जो कि माइनस 6 हमें गिवन है और साथ में y जो है वो गेन वेरिएबल है. ठीक है, वैल्यू इसी तरह हम लिखेंगे, माइनस वाई वन. वाई वन जो है वो पॉइंट जो हम गिवन है उसका वाई कोऑर्डिनेट है, मतलब कि 5. सही, अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं. तो 7 इंटू एक्स प्लस 6 हो जाएगा. ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू वाई माइनस 5. ठीक, अब 7 जो है x के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है 6 के साथ, मतलब x प्लस होल, x प्लस 6 के होल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 7x प्लस 7 6 का 42 is equal to y minus 5. सही, अब देखें ये इक्वेशन किस तरह भी लिखी जा सकती है, लेकिन हम वेरिएबल्स को अच्छा होता है कि एक साइड पे लिख लें. ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे हम कर लेते हैं वेरिएबल्स को. 7x पहले से यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर y जो है यहाँ पर राइट साइड पे प्लस है. ठीक है, उसके साथ प्लस है, जिसके साथ कुछ साइन होता है उसका मतलब वो प्लस है. तो ये y यहाँ पर राइट साइड पे प्लस है, इसको मैं लेफ्ट साइड पे लेके आऊंगा तो माइनस लिखूंगा, 7x माइनस 5 बन गया. इसी तरह से जब ये माइनस 5 जो है पहले से राइट साइड पे मौजूद है तो इसको राइट साइड पे लिखूंगा तो माइनस 5 लिखूंगा, लेकिन अब 42 जो है पहले लेफ्ट साइड पे था, इसको मैं राइट साइड पे ले जाऊंगा तो माइनस 42 हो जाएगा. अच्छा, अब इसको जो है ये दोनों ऐड हो सकते हैं, उसको लिख सकते हैं आगे 7x माइनस वाई को इसी तरह ले रहा है, ना ये आपस में ऐड हो सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल्स चेंज हैं. x हमेशा x में ऐड होता है, y हमेशा y में ऐड होता है. यहाँ पर क्योंकि दोनों डिफरेंट है इसलिए इसी तरह से नीचे लिखती है. और साथ में माइनस वाई, माइनस वाई और माइनस 42 दोनों सेम साइन है, जैसे हम पहले करते हैं कि दोनों को सम कर देते हैं. ठीक है, क्योंकि मैं माइनस 47 ये इक्वेशन जो है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उस लाइन की जिसकी स्लोप 7 है और साथ में इस पॉइंट से वो पास कर रही है. सही, अब इस क्वेश्चन का जो पार्ट बी है और पार्ट सी है बिल्कुल सेम इसी तरह से है. ठीक है, दोनों में पॉइंट्स दिए हुए हैं, सही, साथ में हमें स्लोप्स दिए हुए हैं. तो यही सिचुएशन हम यूज करके, ठीक है, हम उसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, उस लाइन की इक्वेशन. अब हम आते हैं पार्ट डी पे, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, तो हम पार्ट डी पे आते हैं. पार्ट डी में क्या है, पार्ट डी में है कि आपको दो पॉइंट्स दिए हैं. ठीक है, मतलब कि एक पॉइंट है माइनस 5, -3, तो पार्ट डी में स्टार्ट कर चुका हूँ. तो ये एक पॉइंट है -5, -3 और दूसरा पॉइंट जो है वो है 9, -1. ये दो पॉइंट्स हमें गिवन है और हमें कहा गया है कि आप उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करें जिस वो लाइन उन दोनों पॉइंट्स में से पास करनी चाहिए, मतलब कि ये दोनों पॉइंट्स हैं उस लाइन के ऊपर लाई कर रहे होंगे. तो हम देखें तो हमें क्या चाहिए होता है, हमारे पास स्लोप इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, m into x minus x1 is equal to y minus y1. ठीक है, इसमें हमें एक पॉइंट चाहिए होता है. ठीक है, एक तो ये दोनों मिलाकर x1 और y1 जो है वो पॉइंट बन जाते हैं. ठीक है, तो पॉइंट तो हमें दो भी बने,
सही, इनमें से कोई सा भी पॉइंट हम यूज कर सकते हैं जो कि फैंसी लाइक करते हैं, तो दोनों पॉइंट लाइक कर रहे हैं इसको, तो कोई सा भी एक पॉइंट हम यूज कर सकते हैं एक्स को मैं पॉइंट वन के लिए। ठीक है, और एम जो है इस इक्वेशन में वो है स्लोप। ठीक है, तो स्लोप हम देखें तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें दो पॉइंट्स की है, दो पॉइंट्स के थ्रू हम आराम से जो पहले स्लोप फाइंड करते आए हैं स्लोप फार्मूला से, तो हम वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एम इज इक्वल टू हम यूज करेंगे स्लोप फार्मूला y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो ये स्लोप बन जाएगी y2 जो है -1 है -y1 जो है वो -3 है। सही, आप डिवाइडेड बाय x2 - x1, x2 जो है वो 9 है और x1 जो है वो -5 है। तो यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करें -1 + 3 / 9 + 5, मतलब कि -1 + 3 क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा और 9 + 5 जो है वो 14 आ जाएगा। तो स्लोप क्या बने, अगर इसको कैंसिल करें डिवाइड करें तो 1/7 स्लोप हमारे पास 1/7 आ गई उस लाइन की जिस पे ये दोनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं और हमें वही लाइन की इक्वेशन भी चाहिए। ठीक है, वो इक्वेशन कैसे है कि आप पॉइंट हम कोई सा यूज करते हैं, जैसे सपोज हम पहला पॉइंट यूज कर लेते हैं -5 - -3 से, तो इस इक्वेशन ऑफ लाइन में ये इक्वेशन ऑफ लाइन हमने लिखी हुई है m(x - x1) x1 की वैल्यू हमने कोई सा पॉइंट लिया है कि हमने पहला पॉइंट कंसीडर किया, पहला पॉइंट हम ले लेते हैं, आप सेकंड पॉइंट भी ले सकते हैं। ठीक, तो पहला पॉइंट है -3 उसका -5 उसका एक्स कोऑर्डिनेट है, तो x1 की वैल्यू मतलब कि x1 जो है वो बराबर है -5 के और y1 बराबर है -3 के, तो -5 आ जाएगा यहाँ पर -5 = y - y1। वो मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों के साथ, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/7x + 5/7 = y + 3। अब जिस तरह पिछले बार में हमने जिस तरह किया था कि वेरिएबल्स को हम एक साइड पे लेते हैं, तो इसको भी इस तरह कर लेते हैं x/7 - y, यहाँ पर आके माइनस हो गया और 3 - y/7 यहाँ तक माइनस हो गया। तो अब हम इसको मिडिल सिंपलीफाई कर लेते हैं। ठीक है, x/7 - y = क्या बनेगा इसका अगर 7 एलसीएम ले लिया जाए, ये 7 ठीक है, तो 1 - 5 बनता है। सेम जितना पहले छोटी बोला क्लास में आप एलसीएम से सॉल्व किए थे, तो यहाँ पर इसका भी एलसीएम ले लिया जाए तो ये क्या बनता है x - 7y = 21 - 5 किया था। 21 - 5 जो होता है इसको जब रख कर देखते हैं, ये आ जाएगा ये हमारे पास इक्वेशन प्लान आ गई x - 7y = 16 या फिर x - 7y - 16 = 0। सही, अच्छा अब पार्ट ई पे अगर आते हैं, पार्ट ई में हमें क्या दिया है, पार्ट ई में हमें गिवन है पार्ट ई में हमें y इंटरसेप्ट दिया हुआ है और स्लोप दी हुई है। ठीक है, एक तो स्लोप हमें दी हुई है, स्लोप इज इक्वल टू -5 है और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है। y इंटरसेप्ट आपने पहले सुना होगा कि y इंटरसेप्ट होता क्या है, उसकी वैल्यू हमें 7 दी है। तो y इंटरसेप्ट देखें, ये अगर xy एक्सिस है, ठीक है, यार कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो कोई लाइन जो है इस तरह से है, ठीक है, तो
वो लाइन अगर वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रही होती उसको वाई इंटरसेप्ट कहा जाता है, ठीक है। वाई इंटरसेप्ट इस पॉइंट पे वाई इंटरसेप्ट कहा जाएगा जो कि वाई एक्सिस को वो लाइन कट कर रही होगी, सही। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये एक लाइन है, ये कार्डिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। तो वाई इंटरसेप्ट इसमें हमें दिया हुआ है के 7, वाई इंटरसेप्ट जो है जिधर से वो लाइन पास कर रही है वो है -7°, ठीक है। तो वो डाउन साइड पे होगी, यहाँ पर इस तरह से लाइन है, ठीक है। तो ये वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है हमें, वाई इज इक्वल टू -7। और साथ में अगर इस पॉइंट को देखा जाए उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या बनते हैं, एक्स जो है वो तो ओरिजिन पे लगा रखी, तो एक्स ओरिजिन है और वाई की वैल्यू -7 है जो कि हमें -7 की है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं 0, -7, सही। तो हमारे पास वो पॉइंट भी आ गया और तो साथ में हमें स्लोप भी गिवन है, तो हम उसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं जिस तरह से पहले इससे सॉल्व करते हैं, ठीक है। पॉइंट हमारे पास 0, -7 बन गया और साथ में स्लोप भी हमें गिवन है, तो हम इस फॉर्मूला -y1 से m की जगह -5 आ जाएगा, इनटू x -x1 की जगह हमारे पास 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू y1 y1 की जगह -7 आ जाएगा। और इस इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं तो -5x1 की जगह इज इक्वल टू y+7 से, तो -5 तो सेट में लेते हैं y+5x इज इक्वल टू -7 या फिर y+5x+7 = 0, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन को इसी लिंक में इसी यूज कर सकते हैं और ये हमारा आंसर है, सही। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट जो है f पार्ट, उसमें x इंटरसेप्ट हमें दिया हुआ है, तो मतलब कि वो लाइन जो है x को कट कर रही होगी -9 पे, ठीक है। x इंटरसेप्ट हमें -9 दिया हुआ है, तो उसका ये मतलब निकलता है कि वो लाइन जो रिक्वायर्ड लाइन है, ठीक है, उस वो कट कर रही है x एक्सिस को -9 पे, ठीक है। तो -9 अगर कर रही है तो उसका पॉइंट हम देखेंगे इधर हमारा y कोऑर्डिनेट प्लेसिंग और x लाइन पे 0 होता है, तो पॉइंट बन जाएगा -9 0, इस तरह से हमारे पास पॉइंट आ जाएगा और हमारे पास स्लोप पहले से गिवन है 4, ठीक है। तो वो भी हम इसी मेथड से पूरी सॉल्व करेंगे। अच्छा, पॉइंट पार्ट जी में, पार्ट जी जो है हमारे पास, पार्ट जी में हमें दोनों इंटरसेप्ट दिए हैं, ठीक है। एक एक्स इंटरसेप्ट भी है और वाई इंटरसेप्ट भी है, जबकि हमें स्लोप नहीं दी हुई, ठीक है। तो एक्स इंटरसेप्ट हमें दिया हुआ है, एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू है -3, सही। तो इसके बाद में हमें वाई इंटरसेप्ट भी दिया हुआ है, वाई इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट जिसकी वैल्यू है 4, सही। एक ये एक्स इंटरसेप्ट हो गया, एक वाई इंटरसेप्ट हो गया, जी दो चीजें हमें दी हुई है और हमें कहा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन आपको फाइंड करनी है, सही। तो अब देखा जाए तो ये वाई एक्सिस एक्स वाई एक्सिस है, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी लाइन है जो कि -3x को, ये -3x है अगर, ठीक है, और वाई जो है 4, ये 4, इस तरह से ये लाइन बनती है, ठीक है। ये लाइन रिक्वायर्ड है, इस लाइन की इक्वेशन रिक्वायर्ड है, क्योंकि यहाँ पर एक्स जो है वो है -3 और इस पॉइंट पे जो है वाई जो है 4 है, ठीक है। तो अब इसके हम कोऑर्डिनेट्स दोनों देख लेते हैं, दोनों पॉइंट्स के ये पॉइंट बनता है। अब यहाँ पर वाई जो है 0, ठीक है, इस पूरी एक्सिस पे वाई जो है, तो इसका मतलब ये है कि -3, 0 ये पॉइंट बनता है, ठीक है। इसी तरह से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखे जाएं तो एक्स यहाँ पर 0 है इस पॉइंट पे, तो 0, 2 वाई की वैल्यू 2 है यहाँ पर, तो ये दोनों पॉइंट्स हमें पता चल गए। अब जो कि इस लाइन पे बनाए हैं, ठीक है। तो हम ये दोनों जो है यूज करेंगे पॉइंट्स और स्लोप निकाल लेंगे, स्लोप इज इक्वल टू आर ए बी, कोई से भी इसमें से x2 भी ले लेंगे, x2 भी ले, ठीक है, x2 y2, और ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा। तो इसमें इसको भी फाइंड कर लेते हैं, 4 -0 / 0 -3 -1, ठीक है। तो 4/3 आ जाएगी हमारे पास स्लोप,
कोई सा भी एक पॉइंट हम इनमें से यूज कर लेते हैं, जिसको हम -3, 0 पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, जो कि उस लाइन के ऊपर लाइन कर रहा है। तो इससे हम वही इक्वेशन यूज करेंगे इक्वेशन बंद करने के लिए, लाइन की जो कि है जिसे कहा जाता है m into x minus x1 is equal to y minus y1, सही। अब इसमें x1 जो है वो -3 है ये वाला, ठीक है, x1 है और ये y1 दे देते हैं, तो साथ में m जो है वो स्लोप है 4/3, ठीक। अब इसमें पुट कर देते हैं 4/3 into x minus x1, x तो वेरिएबल है वो इस तरह आ जाएगा माइनस एक्स वन, एक्स वन की वैल्यू है -3, ये पुट कर देंगे इज इक्वल टू y माइनस y1, y1 जो है वो है 0, सही। इसको आगे हम सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 4/3 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू y माइनस 0 जो है वो y बन जाएगा। और इस तरह से अब 3 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले से, ठीक है, अब ये डिवाइड के सिंबल खत्म कर देते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड्स पे, तो ये बन जाता है 4, ये जो भी इसी तरीके से कैंसिल हो जाएगा, 4 × x + 3 इज इक्वल टू 3y। अब 4x + 12 इज इक्वल टू 3y इक्वेशन बन गई, तो ये भी हो सकती है अगर वेरिएबल्स को एक सेट मतलब सब चीजों को एक सेट ले आती, 4x - 3y + 12 इज इक्वल टू 0, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन थी जो कि हमने जिसके x और y सब की वैल्यू थी और उसकी इक्वेशन भी कट कर दी।